करने हैं। वाह, देखे तो गन्ने ही गन्ने, गन्ने किस में ले जा रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ देख रहे हैं। कितनी शांति है। ये गेहूं है, वाओ। सो गाइस, ये है गेहूं के पेड़। अब ये बड़े होंगे ना काटने लायक, तो बहुत टाइम बाद होंगे। पूरा खेत का व्यू दिखाया मैंने, गेहूं का खेत है पूरा। वैसे जो बात गांव में है वो कहीं नहीं है, गांव की तो गांव की ही बात है। हाँ, ये सब नज़ारे कहाँ देखने मिलते हैं शहरों में, भले ही शांति भी हो पर ये नहीं देखने को मिलता। अच्छा, तो अब होएगी नहीं इनमें, कितने सारे पेड़ लगाए थे ना। गाइस, आप ये जो सामने देख रहे हो ये झोटा है जिसे भैंसा बोलते हैं, ये इसे बुग्गी बोलते हैं। बचपन में हम इसके पीछे भाग भाग के खूब बैठा करते थे, और ये बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है। हरियाणा यूपी की तरफ तो बुग्गी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कम हो गया आजकल क्योंकि इनकी जगह ट्रैक्टर वगैरह ने ले लिया। सुंदर व्यू है, ये नज़ारे शहर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। देख रहे हो गाइस, दूर दूर तक जहाँ भी नज़र डालो पूरे में खेत ही खेत है। ये पॉपुलर के पेड़ हैं, ये गन्ने, और उस तरफ गेहूं जो कि अभी बड़े नहीं हुए हैं, और उधर जा रहे हैं मामा एंड मामी। मैं हो चुकी हूँ बहुत पीछे एंड उन्हें जल्दी से पकड़ती हूँ। कितना सुंदर व्यू है, मैं डेली वॉक पे नहीं जाती थी, मम्मी मुझे डेली कहते थे कि शाम को वॉक पे चल, वॉक पे चल, बट मैं उनके साथ कभी नहीं गई। और आज इन खेतों को देख के मेरा बहुत मन कर गया, और हम बहुत दूर आ गए, शायद 2-3 किलोमीटर तो आ गए अब तक। कभी वॉक पे जाती नहीं हूँ, और आज मैं आई हूँ वॉक पर फर्स्ट टाइम। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, ऐसे खेतों को देखकर तो सबका मन करेगा वॉक पे आने का, जो नहीं भी जाता है उनका मन भी करेगा वॉक पे आने का। जा रहे गन्ने लेने स्पेशली मेरे लिए। मम्मी करना चूसते हुए जा रही है। सो गाइज, ये था मेरा डे वन गांव में, एंड आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे आगे, एंड आप भी कुछ नया सीखोगे। गांव से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो मैं आगे ब्लॉग्स में डालती रहूँगी,
तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।